हेलो आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दामोदर कोराई से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे आप सभी को पता होगा कि इसमें छह सर्ग है छह सर्ग में जो पहला सर्ग है मेला दूसरा सरंची कमल तीसरा देखिए राजवेद चौथा हुन और पाँचवा अमर चट्टान और अंतिम में है हड़प्पा तो जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है सभी प्रश्न को देखेंगे यदि आप इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर करें लाइक करना नहीं भूलें कि यदि आप टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग टारगेट पूरा अप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें इस अप्लीकेशन में जे सी और एक्साइज कॉन्स्टेबल के लिए कंप्लीट खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जे सी का जो सिलेबस है खोरठा भाषा का उसके अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट उपलब्ध है जैसे कहानी संग्रह में दस कहानी है तो दसों का अलग अलग टेस्ट इसमें मिल जाएगा साथ ही फुल टेस्ट, यानी कि हंड्रेड क्वेश्चन का भी टेस्ट इसमें उपलब्ध है साथ ही झारखंड जीके का नोट्स कंप्यूटर का नोट्स और पेपर थ्री जेसी का जो पेपर थ्री है यानी कि जीएस पेपर जीएस पेपर में डेढ़ सौ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डेढ़ सौ क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज भी इस एप्लीकेशन में जारी है यदि आप टारगेट पूरा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर ले किसी भी तरह का समस्या हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पहला क्वेश्चन देखिए दामोदर कोराय काव्य कौन रख में काव्य लागे दामोदर कोराय जो काव्य है किस प्रकार का काव्य है तो इसका आंसर हो जाएगा खंड काव्य क्या हो जाएगा खंड काव्य लागे आगे हम लोग देखते हैं दामोदरे कोराय काय कर लिखवैया नाम लागे दामोदरे कोराय जो पुस्तक है जो काव्य खंड है उसके यानी कि लेखक कौन है तो इसका आंसर है शिवनाथ परमानी आगे हम लोग देखते हैं देखिए अगला क्वेश्चन है दामोदरे कोराय काय कर प्रकाशन कौन लागे जो काव्य खंड है दामोदरे कोराय इसका प्रकाशक कौन है तो इसका प्रकाशक याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं लिखा गया है तो याद रखना है कि खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद फिर से नाम सुन लीजिए खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो भतुआ भा भतुआ बोकारो तो दामोदरे कोरा काव्य खंड का जो प्रकाशक है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो आगे हम लोग देखते हैं देखिए फोर में दामोदरे कोराय काव्य कर जो काव्य खंड है दामोदर कोराय इसमें कथा वस्तु कौन लिखल है कथा वस्तु किसने लिखा है तो इसका आंसर है शांति भारत ने कथा वस्तु लिखा है आगे हम लोग देखते हैं दामोदरे कोराय काव्य मधुर काव्य लागे ये कहल है दामोदरे कोराय जो है एक मधुर काव्य है तो मधुर काव्य लागे ये जो सेंटेंस है ये जो वाक्य किसने कहा है तो इसका आंसर है ए के झा यानी कि अजीत कुमार झा दामोदरे कोराय काव्य के पहल प्रकाशन कहिया क्वेश्चन है कि दामोदरे कोराय काव्य खंड का जो पहला प्रकाशन कब हुआ था तो उन्नीस कब हुआ था उन्नीस में दामोदरे कोराय काव्य में के गो है यानी कि कितना कविता है तो इसका आंसर है देखिए छे कितना कविता है देखिए दामोदरे कोराय काव्य कर मुख्य पात्र लागे क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदरे कोराय काव्य कर यानी कि काव्य खंड में कौन मुख्य मर्द पात्र लागे पुरुष पात्र मुख्य रूप से कौन है तो इसमें कौन मुख्य पुरुष पात्र है तो कमल केतु कौन है कमल केतु यहाँ पूरा बुक का बात किया कोई एक सर गाने की कोई एक कविता का बात नहीं है पूरा बुक में बात किया कि दामोदरे कोराय काव्य खंड में मुख्य मर्द पात्र लागे तो कौन है कमल केतु आगे हम लोग देखते हैं दामोदरे कोराय काव्य के मुख्य जनी पात्र लागे तो मुख्य जो लेडीज पात्र है तो इसका आंसर है सरंची कौन है सरंची देखिए दामोदर कोराय काय कर कथा वस्तु मूल सार है क्वेश्चन कर रहे हैं कि दामोदर कोराय जो काय्य खंड है इसमें कथा वस्तु का जो मूल सार है मूल भाव है को किस मूल भाव पर लिखा गया तो कमल सरंची कर प्रेम कहानी तो इसका आंसर है कमल सरंची कर प्रेम कहानी मुख्य मूल भाव इसी पर आधारित है जो दामोदर कोराय काव्य खंड है इसी के प्रेम कहानी पर आधारित है कमल और सरंजी की आगे हम लोग देखते हैं मेला कौन संज्ञा लागे देखिए पहला जो सर्ग है मेला याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दामोदर कोराय काव्य खंड में पहल सर्ग की हक है आ तो की लागे तो याद रखना है कि मेला जो है पहिल सर्ग है देखिए मेला कौन संज्ञा है तो मेला कौन संज्ञा है तो मेला मेला में एक आदमी नहीं होता है पूरा समूह होता है यानी कि गोठवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा आगे हम लोग देखते हैं उमादित्य कर आक्रमण कर पहले मगध से झारखंड कौन क्वेश्चन कह रहा है यदि आप मेला जो सर्ग है जो कविता है पढ़े तो आप सभी को पता है कि उमादित्य कौन है तो मगध कहाँ है झारखंड तो राज्य में कौन आक्रमण करता है तो आप सभी को पता होगा तो क्वेश्चन है कि उमादित्य कर आक्रमण कर पहले उमादित्य के आक्रमण करने से पहले मगध से झारखंड कौन आते थे तो इसका आंसर है भावरी व्यापारी कौन व्यापारी भावरी व्यापारी इसका आंसर हो जाएगा भावरी व्यापारी व्यापारी कौन चीज़ बेचे हलत व्यापारी जो है क्या चीज़ बेचता था तो इसका आंसर है ए और बी ए में क्या है नून धनिया हरदी नून मतलब नमक सॉल्ट नून धनिया हरदी और चार गहूम मसाला व्यापारी यहाँ पर क्या बेचते थे नून धनिया हरदी चावल गहूम बेचते थे लेकिन यहाँ से क्या ले जाते थे देखिए आगे क्वेश्चन है व्यापारी सब है व्यापारी सब आप देखिए व्यापारी सब अपन बेचल चीज़ें के बदले की पाव हालत व्यापारी सब अपना जो भी चीज़ यहाँ पर बेचते थे उसके बदले में क्या पाते थे तो उसके बदले में हीरा चंदन काट क्या हो जाएगा हीरा चंदन काट देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा हीरा मिलता था चंदन का लकड़ी मिलता था क्या हो जाएगा हीरा चंदन काट आगे हम लोग देखते हैं देखिए व्यापारी सभी हीरा और चंदन काठ कहाँ बेचे हलत व्यापारी जो था मगध राज का जो व्यापारी था हीरा और चंदन का लकड़ी कहाँ ले, ले जाके बेचते थे तो इसका आंसर है मगध राजा गढ़ मगध राजा के गढ़ में हीरा और चंदन का लकड़ी बेचते थे झारखंड आदिवासी केकर मरम ना जाने हैं झारखंड की जीव जो भी आदिवासी है किसका मरम किसका जो वैल्यू है नहीं पता था उसको तो हीरा का हीरा का सोना का चांदी का तो ये सभी का मरम यानी का वैल्यू नहीं पता था जिसके कारण मगध राइस से व्यापारी आते थे और नोन हल्दी धनिया गेहूँ चावल के बदले हीरा ले जाते थे सोना ले जाते थे चांदी ले जाते थे आगे हम लोग देखते हैं झारखंड आदिवासी पुषिक मास कौन लकड़ी के आग जोड़ क्वेश्चन कह रहे हैं कि झारखंड की आदिवासी पुष महीने में वो कौन से लकड़ी का आग जोड़ते थे आग लगाते थे आने की जिसको कहते अलाव अलाव लगाते थे तो इसका आंसर है चंदन की चंदन का लकड़ी बहुत ही महंगा होता है अभी आप सभी को पता है कि इस पर एक मूवी भी बना है पुष्पा मूवी साउथ का है तो इसका आंसर है चंदन की लकड़ी देखिए कौन नदी धारे मेला लागल है किस नदी के किनारे मेला लगा हुआ था तो आप सभी को पता है कि दामोदर नदी के किनारे मेला लगा हुआ था उमादित्य के राज में के पहरा दिए काम करे उमादित्य के राज्य में पहरा देने का काम जोगना मांझी करता है कौन करता है जोगना मांझी आगे हम लोग देखते हैं कौन जानवर के साल नदी करघा बनल रहत क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनमें से किस जानवर का रहने का व्यवस्था नदी के किनारे हुआ था तो इसका आंसर है हाथी के और घोड़ा के उमादित केकर भगत हले उमादित किसका भक्त था तो इसका आंसर है शिव और दुर्गा के देखिए उमादित के बहु नाम की लागे उमादित की वाइफ का क्या नाम है तो इसका आंसर है बरूनी क्या नाम है बरूनी देखिए शक्ति मायक पूजा माँ दुर्गा की पूजा आसीन मास में के दिन हो आसीन के महीने में कितना दिन होता है तो आप सभी को पता है कि नौ दिन कितना दिन पूजा होता है नौ दिन अगला क्वेश्चन है कौन दिन मेला लागल है मेला किस दिन लगा था तो दसवीं दिन याद रखना है कि दसवीं के दिन मेला लगा हुआ था आगे हम लोग देखते हैं पहुना रूपे कौन राजा मेला आये रहा पहुना के रूप में कौन राजा मेला आई हुई थी तो नागवंशी राजा पहुना के रूप में आई हुई थी कहाँ के महाराज हाथी चढ़ मेला कहाँ के राजा हाथी चढ़ के मेला आई तो इसका आंसर है पंचकोटे महाराज पंचकोट का जो राजा था हाथी पर चढ़ के आई राजा रानी कौन चीज दान कर ले रहा था राजा और रानी क्या दान किए तो अन्न दान किए धन दान किए दान कौड़ी दान तो इसका आंसर है एकर में स्व अन्न दान धन दान अन्न का दान किए धन का गेरू यानी कि गाय का दान किए और कौड़ी दान किए इस आगे हम लोग देखते हैं देखिए मेला सर्ग एक में कौन पहाड़ के उखरवल गया मेला सर्ग में इनमें से किस पहाड़ को उकेरा गया है लिखा गया तो इसका आंसर है पारसनाथ और लुगु पहाड़ आगे हम लोग देखते हैं घाट के रेखा के करत घाट का रक्षा कौन करता था तो घटवाहा करता था कौन करता था घटवाहा देखिए राजा के महल के रेखा के कर राजा के महल का रक्षा कौन करता था तो इसका आंसर है मांझी मेला रेखा के कर मेला का रक्षा कौन करता था तो सेना मेला का अच्छा, रक्षा सेना करता था आइए हम लोग देखते हैं पेठिया में केकर जैसन पढ़ते ना हेल क्वेश्चन करा कि पेठिया यानी कि मेला में किसके जैसा कोई दूसरा नहीं था तो इसका आंसर अच्छा है जुआन बोध साधु जैसन वहाँ पर मेला में एक साधु आया था बोध साधु तो बोध साधु गेरुआ वस्त्र धारण किया था तो इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं था आगे हम लोग देखते हैं देखिए बोध साधु के कर उपदेश दे ले, तो बोध साधु किसका उपदेश देते थे तो बुद्ध भगवान का रखना है, किसका बुद्ध का देखिए साधु 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 के ले, साधु के ज्ञान ज्ञान ले से जो बोध आया था उसके ज्ञान से केकरा पेट कहुनी धेल ले रहा किसको तकलीफ होने लगा तो इसका आंसर है राज पुरोहित की राज पुरोहित को तकलीफ होने लगा आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म स्थापित हेल बाद की हेल क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म स्थापित होने के बाद क्या हुआ तो इसका आंसर है हिंसा बंद हो गया टांगी बलम में चीटी लग गया अर्थ के अनर्थ हो गया इसका आंसर है हिंसा बंद हो गया टांगी बलमानी की जब लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं तो जो भी हथियार है उसमें चीटी लग जाएगा जंग लग जाएगा अर्थ के अनर्थ हो गया तो इसका आंसर है एकर में सौ शिवनाथ परमानी के जन्म कहिया भेल रहा देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दामुद्रिक कोराय के जो लेखक है शिवनाथ परमानी और इनका जन्म कब हुआ तेरह जनवरी उन्नीस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है राजवेद का झार बोने मुसाइल आप लोग जब राजवेद का कविता देखिएगा तो शुरुआत का लाइन में मूसा का जिक्र किया गया मूसा यानी कि चूहा तो झार बोने मुसाइल में मूसा कहकर प्रतीक हक है तो मूसा जो है बाहरी लोगों का प्रतीक है तो इसका आंसर है बाहरी लोक देखिए दो में कमल केतु के ठीक करे खातिर कौन वेद के डाकल गए है कमल केतु को ठीक करने के लिए किस वेद को बुलाया गया था तो इसका आंसर है घुमा वेद वेद का क्या नाम है घुमा देखिए थ्री में है कमल के कमल केतु को ठीक करने का जो समय सीमा दिया गया था कमल के ठीक करे सीमा समय सीमा राजा कितना दिन दिल रही तो कितना दिन दिया गया था राजवेद को तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक महीना का समय मिला था घूमा वेद को एक महीना का समय मिला कि एक महीना में तुम कमल केतु को ठीक कर दो आगे हम लोग देखते फोर नंबर में कमल के घाव ठीक हेल बाधो कमल का घाव जो था ठीक हो गया उसके बाद भी कमल ठीक नाय भेल रहत रहकर कारण वेद रह की बतवल रहत कमल केतु जो है उसका घाव भर गया फिर भी कमल केतु ठीक नहीं हुआ वेद इसका क्या कारण बताया तो इसका आंसर है देखिए तो घुमा वेद बोलता है कि कमल केतु को प्रेम रोग भेल रहा प्रेम रोग हो गया और नयन बान लागल रहे यानी कि आंखों से तीर लगा है तो इसका आंसर है बी और सी दोनों राजवेद प्रेम रोगे दवा खोज ले कहा गया था राजवेद जो है घुमा वेद प्रेम रोग का दवा खोजने के लिए कहाँ गया तो इसका आंसर है महुआ बोन कहा गया था महुआ बोन आगे हम लोग देखते राजवेद यदि महीना दिन में ठीक नहीं कर पातलै तब ओकर साथ राजा की करतले यदि राजवेद जो है घुमा एक महीना में कमल केतु को ठीक नहीं कर पाता तो जो राजा है उसके साथ क्या करता तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई ओकरा राज्य छोड़े है किसको घुमा को राज्य छोड़ना पड़ता आगे हम लोग देखते राज्य बेद महुआ बने ठिन गेल राजवेद जो है घुमा वेद महुआ बोन में किसके यहाँ गया तो इसका आंसर है सरंची ठीन यानी कि सरंजी के पास देखिए अशोक कमले हाथ है कमल केतु के हाथ में बेद जो है क्या चीज दिया तो सरंची खोपा बेली फूल सरंची का जो खोपा होता है जो माथा होता है उसमें बेली फूल लगाई थी वही फूल राज वेद किसको देता है कमल केतु को देखिए कमलेक पाती पाती मतलब चिट्ठी कमल का जो चिट्ठी है लेके सरंची ठीन के गिल रही तो सरंजी के पास कौन गया था तो वेद गया था कौन घुमा देखिए कमल पांति कौन चीज़ में लिखल रही कमल जो है चिट्ठी किस में लिखा था तो एक पत्र होता है मतलब एक पत्ता होता है जिसे यहाँ पर भोज पत्र कहा गया तो भोजपत्र में ही चिट्ठी लिखा था देखिए बारह में कमल पांति कौन चीज़ से लिखल रही तो कमल जो चिट्ठी किससे लिखा तो इसका आंसर खून से चिट्ठी लिखा था देखिए कमल कैकरा हिया के दीकू केहे हथ कमल किसको यहाँ दीकू कहता है तो कमल केतु कहता है कि जो हमार बन जे हमार वन संपत्ति लूटे जो मेरा वन संपत्ति को लूटता है जे रोटी छीने जे माटी छीने वही दीकू है आगे हम लोग देखते चौदह में देखिए पाती में कमल अपन बारे में की लिख ली है पात यानी कि चिट्ठी में कमल केतु अपने बारे में क्या लिखा था तो इसका आंसर है देखिए वन हमार माए बाप वो जो जंगल है मेरा माँ बाप है बनवासी हमर भीतर बनवासी मेरे भीतर है बोनेक रेखा जान जानेक रेखा बन का रक्षा मेरा जान का रक्षा के समान है इस सोभे रखा हम कर और इस सभी का रक्षा हम करेंगे तो कमल केतु ये सभी बात लिखा था इसका आंसर है इनमें से सभी देखिए सरंची संग पाके कमल की कर ले तो सरंची का साथ पाके कमल क्या किया गढ़ महल छोड़ महल जो था छोड़ दिया बनवासी छुआ चेंगर के पड़वे लागल बनवासी बच्च, बच्चा बच्चा सबको पढ़ाने लगा नदी धारे वास कर नदी के किनारे वास करने लगा एक सोभे करे लगा यानी कि इनमें से सभी काम वो करने लगा कमल और सरंची के मेल हेल बादे राजवेद की करे लग कमल और सरंची का मेल होने के बाद राजवेद क्या करने लगा तो इसका आंसर है राज राजगढ़ छोड़ दे यानी कि राज राजा का जो गढ़ है छोड़ दिया वनवासी के लत पाते गुण सिखवा लगा वनवासी को जो झारखंड का औषधि है जंगल झाड़ में मिलता है उसका गुण बताने लगा बोनेकवासी के बलगर बनवे लागल बन जो जंगल में रहते हैं वनवासी उन लोगों को ताकतवर बनाने लगा कौन जो वेद है राजवेद घुमा आगे हम लोग देखते हैं देखिए काल के तू तो अपन बेटा के सास्ती करे खातिर कौन जुगत अपना वाल? अपना बेटा को अपने काबू में लाने के लिए कौन सा जुगाड़ अपनाया तो इसका आंसर है देखिए राजवैद के हुक्म राजवैद के हकवे हुकुम दिए दिया गया राजवेद को राजा का गढ़ बुलाने का हुकुम दिया गया सिपाही के बोने से खोज के लाने कल सिपाही को कहा गया कि तुम बोन से खोज के लाओ सिपाही बोने बोने खोजे लग सिपाही जो है बने बने यानी कि जंगल जंगल में खोजने लगा इनमें से सभी हो जाएगा एकर में सौ राजा राजवेद के हकाय के की कल राजा जो है राजवेद को बुलाकर क्या कहा तो इसका आंसर है देख तो राजा कहता है देखिए राजमहल छोड़ तो बोन गिले राजमहल को छोड़ के तुम जंगल गया बु, बल बुद्ध आदिवासी के बाटे लग बल बुद्धि तुम आदिवासी को बांटने लगा हमार बेटा भगा दे ले, तुम मेरा बेटा को भगा दिया तो इनमें से सभी हो जाएगा ये सभी बात राजा कहता है किसको राज को राजवेद को घुमावेद गुरगुरा के की, की कल है घुमावेद जो है पूरा गुस्सा के क्या कहता है पलक झपकते जेर जीतो सोनक महल पलक झपकते ही जर जाएगा सोनक महल बांध लें हमारा तो बांधबे मतलब तुम मुझे बांध पाएगा जरबे बोने तीन तितकी से तुम जल जाएगा बोन का जो एक छोटा सा तितकी है उससे एकर में सॉव हो जाएगा अब हम लोग देखेंगे हुन अमर चट्टान इसका एम सी क्यू हून और अमर चट्टान अभी तक हम लोग थ्री देख लिए अब हम लोग फोर और फाइव देखेंगे हुन फोर और अमर चट्टान फाइव देखिए हुन सर्ग में कौन कौन शहीद के आयद करल गए तो हुन स्वर्ग में किसको किसको आदि किया गया किस शहीद को तो बिरसा मुंडा शेख भिखारी सिद्धू कान्हू तिलका मांझी प्रताप विश्वनाथ उसके बाद बापू कैली सिंगी और चंपा तो इनमें से सभी को आदि किया गया है आगे हम लोग देखते हैं कैली सिंगी चंपा ये तीनों का जिक्र है किस सर्ग में किया गया है तो केली सिंगी चंपा नारी इन तीनों नारी का जिक्र दामोद्रे को सेनापति किए रहा तो हुन सेना का जो सेनापति था मिहिर पाल था कौन था मिहिर पाल देखिये हून सेना कौन दिन आक्रमण कर ले रहा तो हून सेना कर्मा पर्वे रात यानी कि कर्मा जिस दिन होता है उसका रात को ही आक्रमण किया हुन सेना कहाँ आक्रमण कर ले रहा तो गढ़े महल में गढ़ के महल में हुन सेना आक्रमण किया था देखिए हुन सेना भगवे ओकर ओकर संग जूद कौन कौन कर ले रत तो हुन सेना को भगाने के लिए कौन कौन लड़ाई लड़ा तो सरनजी संगे सौभे जैनी सरनजी के साथ जितनी नारी थी सब लड़ी कमल केतु संग सभे मरद कमल केतु के साथ जितने भी पुरुष थे सभी लड़े राजा घर एक सेना पूरा जितना भी सेना था सब लड़ा इनमें से सभी हो जाएगा देखिए अमर चट्टान सर्ग शुरू पृष्ठभूमि कर वर्णन है तो अमर चट्टान सर्ग में शुरू का जो पंक्ति है किसका वर्णन है तो औषध बन गाछ पात इसका वर्णन है पेड़ पौधा औषधि बनाता है जड़ी बूटी का वर्णन है और आयुर्वेद आयुर्वेदक वेद, आयूर वेद बने यानी कि आयुर्वेद का वेद बनने का भी वर्णन है शुरू का लाइन में आगे हम लोग देखते हैं रात के पहरा देते देते सरंची कहाँ पहुँच ले तो रात को वो पहरा देते देते सरंची घुमा वेद के आश्रम पहुंच गई थी देखिए घुमा वेद सरंची और कमल के की चाटल कहल गए तो घुमा वेद सरंची और कमल कृत्यु को क्या चाटने कहा तो इसका आंसर है अमर चट्टान क्या चाटने के लिए कहा अमर चट्टान अब हम लोग देखते हैं हाड़पा देखिए हाड़पा मने की हो भी? तो हाड़पा का अर्थ होता है बड़का बाढ़ या तो मूसलाधार पानी बाढ़ मतलब बाढ़ बहुत आ, विशाल बाढ़ आ तो मूसलाधर पानी इसका आंसर हो जाएगा दोनों आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा सर्ग में सृष्टि के, के केगो वस्तु के महत्व बतवल गया है तो हड़प्पा सर्ग में पृथ्वी के तीनगो वस्तु के महत्व बताओ कौन कौन रोद हवा और पानी रोद मतलब धूप हवा मतलब वायु और पानी मतलब जल आगे हम लोग देखते हैं राजा काल केतु मौर्य पहले अपन महल कैकरा सौंप राजा काल केतु मरने से पहले अपना महल किसको सौंप दिया तो इसका आंसर है सुगना मांझी के आगे हम लोग देखते हैं महुआरे लोग सरंची के की बनोले महुआरे जो वहाँ का जंगल के लोग था सरंची को क्या बनाया तो इसका आंसर है मानकी बनाया सरंची को मानकी सरंची के मानकी बनल बाद महुआ बोने की है तो सरंची का सरनची मानकी जब बन गई तो महुआ बोन में क्या हुआ तो इसका आंसर है बोर्ड छोट अमीर गरीब समान भेल यानी कि सब समान हो गया ऊंच नीच कर भेद सिरायल है। सिरायल मतलब ख़त्म हो गया उसके बाद देखिए बमन हट्टी खाम ख्याल रीति उच्छीन हिल यानी कि वैसा रीति रिवाज जो समाज को बांटता है वो खत्म हो गया इसका आंसर है एकर में सौम देखिए हड़पा स्वर्गेय वर्णित आसीन मासिक मेला कैसन मेला रे तो आसीन मास में जो मेला रहता है कैसा मेला रहता है तो बोध मेला इसका आंसर हो जाएगा बोध मेला सरंची कैसे मर ले सरंची कैसे मरी थी तो इसका आंसर हो जाएगा बज्र से यानी कि जो वज्रपात होता है उससे सरंची मर गई थी दामोदर कोराय काय कथना कर अंत कैसन है तो दामोदरे कोराय जो काय है इसका अंत किस प्रकार है तो दुखांत अंत है आगे हम लोग देखते हैं देखिए दामोदरे कोराय काय के मूल उद्देश्य है तो इसका मूल उद्देश्य है कमल सरंची के प्रेम कथा डिकू होड़ कर मांझे सद्भावना लाने मानसिक सेवा भाग जगवे डिकू और होर यानी कि जो यहाँ के आदिवासी हैं और यहाँ के जो डिकू है दोनों में समन्वय का भाव लाना है मानसिक सेवा भाग जगवे यानी कि मनुष्य में सेवा का भाव जगाना कमल और सरंची का प्रेम कथा तो ये तीनों हो जाएगा एक कर में सौ देखिए दस में दामोदरे कोराय कर अनुसार सत्य के खोज कर ले कौन बहराए तो सत्य का खोज करने के लिए कौन बहरा है यानी कि कौन निकला था तो इसका आंसर है सिद्धार्थ जिसका नाम आगे चल के गौतम बुद्ध पड़ा। महायान और के कर शाखा लागे तो महायान और हीनयान बुद्ध धर्म के शाखा लागे देखिए महायान गौतम बुद्ध के की बतौले हले तो महायान जो है गौतम बुद्ध को क्या बताए तो भगवाने का भगवान का अवतार भगवान का अवतार बताया